उज्जैन में अल्प प्रवास पर पहुंचे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव एवं महासचिव मोहन प्रकाश ने देश की मोदी सरकार को झूठा बताया और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि आज देश के प्रधानमंत्री के शब्दों का अर्थ खत्म हो गया है। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने जनता के सामने असत्य भाषण नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई। महासचिव मोहन प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एनआरसी का जिक्र था। राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट में मंजूर किया जाता है, उस समय भी आप ही के कैबिनेट थी। सांसद के अंदर गृह मंत्री चिल्ला कर कहते हैं कि हम एनआरसी लागू करेंगे, लेकिन भार आने के बाद अपनी बात से मुकर जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आचरण का असर नीचे तक बताया। अब देश के लोगों को सजग रहना पड़ेगा और एकजुट होकर सभी को आवाज उठाना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार मुकदमे लगा रही है, कांग्रेस अपनी आवाज को लोकतंत्र में उठाती है तो क्या देशद्रोही है? इसमें आपको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी से एक ही सवाल है, आज प्रधानमंत्री जी के शब्द अर्थ खो चुके। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने असत्य भाषण जनता के बीच में नहीं किया है। कह रहे हैं साहब एनसीआर पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बात का जवाब दीजिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एनसीआर का जिक्र था, राष्ट्रपति जी के मुंह से था, और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो कैबिनेट से अप्रूव होता है, डिस्कस नहीं, अप्रूव होता है। तो आप ही प्रधानमंत्री, आप ही की कैबिनेट थी, किसी और की कैबिनेट थी? संसद के अंदर गृह मंत्री चिल्ला के कहते हैं कि हम लेके आएंगे, और बाहर कहते हैं कि अभी कुछ है ही नहीं। ये क्या देश के लोगों के सामने किस तरह का उदाहरण आप पेश करना चाहते? और ये प्रधानमंत्री जी मत भूलिए, आपके आचरण का असर नीचे तक पड़ता है। कोई भी प्रधानमंत्री इस देश का होगा, उसके आचरण का असर नीचे पड़ता है। इसलिए ये जो आपने असत्य बोला है, अगर ये अमेरिका होता तो अब तक इम्पीचमेंट शुरू हो गया होता, महाभियोग शुरू हो गया। इसलिए देश के लोगों को बहुत सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, और इसके खिलाफ एक जुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। सर, लोकतंत्र में एक बाल खत्म होता है सरकार का। हिंसा आपने देखा किस तरह की वीडियो आ रहे हैं कि पुलिस ने किस तरह बर्बरता की, लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए विद्यार्थियों को मारना, कहाँ का तुक है? और इसमें एक विद्यार्थी की आंख चली गई, कहीं हाथ चला गया, ये क्या है? और जिस तरह के ये मुकदमे लगा रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, हम अपनी आवाज को लोकतंत्र में उठाते हैं, तो क्या देशद्रोही होंगे? आपको सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं। देश की मोदी सरकार पर कांग्रेस के महासचिव मोहन प्रकाश ने कहा कि देश के लोगों पर मोदी सरकार द्वारा हमला किया जा रहा है। सबसे पहले सरकार बनते ही किसानों की जमीन पर हमला किया, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, तभी किसान की जमीन बची। देश के लोगों की जो बचत थी उसे नोटबंदी में खत्म कर दी। वहीं देश के व्यापारियों को जीएसटी लाकर व्यापारियों को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार को देशभक्त नहीं बताते हुए मोहन प्रकाश ने कहा कि देश में 41 बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो गोला बारूद और रक्षा के सामान बनाती है, उन सबको मोदी सरकार बेच रही है। बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल, रेलवे, हवाई अड्डा, सब चीजों को मोदी सरकार बेचने में लगी है। इनका जवाब तो सरकार दे नहीं रही है और कह रही है कि कांग्रेस हिंसा फैला रही है। मोहन प्रकाश मोदी सरकार से लोकतंत्र खत्म न करने की गुजारिश की है। हमला हो रहा है देश के लोगों पर मोदी सरकार का। देखिए मैं गिनाता हूं कि जब जैसे ही आए किसान की जमीन पर हमला किया, वो तो 5 बार ऑर्डिनेंस लेके आए। आज किसान जो अपनी जमीन का मालिक है वो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, तब उसकी जमीन आज बच रही। फिर जो लोगों की बचत थी, महिलाओं की जो बचत थी, इस देश के लोगों की जो बचत थी, उसको आपने नोटबंदी में एक ही दिन से साफ कर दिया।
और फिर उसके बाद जिस देश का जो व्यापारी स्वतः अपना काम कर रहा था, देश के विकास में योगदान करता था, जीएसटी लाके आपने उसको खत्म कर दिया। कोई देशभक्त सरकार यह काम नहीं कर सकती जो मोदी सरकार ने किया। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं इस देश के अंदर जो गोला बारूद और विभिन्न रक्षा के सामान बनाते हैं, उन सबको आप बेच रहे हैं। देश को सेल पर रख दिया, BSNL, MTNL, BPCL, रेलवे, हवाई अड्डा, सब चीजें आप बेच रहे हैं। यह कौन सा तुक है भाई? तो इसका जवाब उनको देना है, उसकी जगह आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंसा फैला रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी अभी भी वक्त है, इस देश के लोकतंत्र के चलते आप प्रधानमंत्री हुए, उस लोकतंत्र को खत्म मत करें।